भारत सिर्फ एक कथा नहीं है, ये एक सत्य है जो कि घटित हुआ है। आज हम देखेंगे माता गंगा की कहानी। गंगा नदी को वेदों, पुराणों और महाकाव्यों, रामायण और महाभारत में व्यापक रूप से उल्लेख किया गया है। गंगा को हमेशा एक देवी माना गया है। आखिर क्या है गंगा माता का इतिहास? गंगा माता पृथ्वी पर कैसे आई? कितने प्रयासों के बाद गंगा माता स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई? हम गंगा को गंगा माँ या गंगा माता क्यों कहते हैं? ये नदी दक्षिणी हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा का पानी इतना पवित्र है कि सालों तक रखने के बावजूद ये कभी भी सड़ता नहीं है। नदी में ऑक्सीजन को बनाए रखने की असामान्य क्षमता है, जिसका अर्थ है कि यह बैक्टीरिया को मारकर खुद को शुद्ध करती है। हमारे देश की सबसे पवित्र नदी है गंगा माता, परंतु आज गंगा अत्यधिक प्रदूषित हो गई है। हम गंगा को दूषित कर रहे हैं, परंतु शायद हम ये नहीं जानते कि कितने ज्यादा प्रयासों के बाद गंगा नदी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। तकनीकी रूप से आजकल देखा जाए तो गंगा नदी स्नान करने योग्य नहीं है, फिर भी हम उसे पवित्र मानते हैं, इसलिए इतने सारे लोग रोज इसमें तैरते हैं और स्नान करते हैं। हम गंगा को स्वर्ग की नदी मानते हैं, इसलिए हम उसमें स्नान करके अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं, और हम सोचते हैं कि गंगा में नहा के हम पवित्र हो जाएंगे। गंगा माता की कथा जानने से पहले हमें राजा सगर और राजा बलि की कथा जाननी होगी। सबसे पहले सुनते हैं राजा बलि की कथा। भगवान विष्णु अलग अलग समय पर पृथ्वी पर 10 अलग अलग रूपों में, यानी कि 10 अवतार में प्रकट हुए हैं। प्रत्येक अवतार में उन्होंने पृथ्वी को किसी महान राक्षस या कठिनाई से छुटकारा दिलाने में मदद की है। ऐसा ही एक अवतार था वामन अवतार, जहां वे एक बौने ब्राह्मण के वेश में पृथ्वी पर अवतरित हुए। कथा के अनुसार राजा बलि एक चक्रवर्ती, अमीर और शक्तिशाली असुर राजा थे, जिसके पास घोड़े, हाथी, रथ, घुड़सवार और एक सेना भी थी। वे विष्णु के बहुत बड़े भक्त भी थे। ऐसा कहा जाता है कि इससे उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि देवताओं के राजा इंद्र भी स्वर्ग खोने से डरते थे। देवराज इंद्र ने जाकर भगवान विष्णु से मदद मांगी। एक दिन एक यज्ञ के दौरान अधिकांश राजाओं की तरह बलि ने ब्राह्मणों को मुंह मांगा दान देने की घोषणा की। भगवान विष्णु बौने ब्राह्मण के वेश में बलि चक्रवर्ती के पास गए। राजा को पता था कि यह बौने ब्राह्मण के वेश में भगवान विष्णु ही है, क्योंकि उनके पास खड़े उनके गुरु शुक्राचार्य ने भगवान विष्णु को पहचान लिया था और उसे चेतावनी दी थी। परंतु अपने वचन का पालन करते हुए बलि ने बौने ब्राह्मण को प्रणाम किया और ब्राह्मण से पूछा कि वह क्या लेना चाहते हैं। ब्राह्मण ने 3 पग भूमि मांगी। तुरंत ही राजा सहमत हो गए और उसे मापने के लिए कहा। और फिर एक चमत्कार हुआ। बौना एक विशाल आकार में बढ़ गया, त्रिविक्रम। उसने एक कदम से पृथ्वी को ढक लिया, दूसरे चरण से उसने आकाश को ढक लिया, तीसरे चरण के लिए कुछ भी नहीं बचा। राजा बलि ने अपना सिर अर्पण कर दिया। बलि के सिर पर एक पैर रखकर त्रिविक्रम ने बलि को पाताल लोक या नागों और राक्षसों की निचली दुनिया में धकेल दिया। जब त्रिविक्रम के पैर ने आसमान को ढक लिया था, ब्रह्मा जी ने उनके चरण धोए, क्योंकि
यह भगवान विष्णु का एक शानदार रूप था और पानी को अपने कमंडल में एकत्रित कर लिया। यह पवित्र जल ब्रह्मा की पुत्री गंगा बन गई। एक और किंवदंती है जो कहती है कि गंगा राजा हिमवान की बेटी थी और उमा की बहन थी। उन्हें देवताओं को शांत करने के लिए इंद्र द्वारा स्वर्ग में लाया गया था। ऋषि दुर्वासा का श्राप। भगवान ब्रह्मा की देखरेख में गंगा चंचल और खुश स्वभाव से बड़ी हुई। एक किंवदंती के अनुसार एक बार जब ऋषि दुर्वासा स्नान कर रहे थे तो तेज हवा ने उनके कपड़े उड़ा दिए। ये देखकर पास में मौजूद युवा गंगा अनियंत्रित होकर हंस पड़ी। क्रोध में तेज ऋषि दुर्वासा ने गंगा को शाप दिया कि वह एक नदी के रूप में पृथ्वी पर समय बिताए जिसमें सभी एक पवित्र स्नान करेंगे। अब सुनते हैं राजा सगर की कथा। ये कथा बहुत ही रोचक है। रघुकुल में बहुत ही प्रतापी राजाओं ने जन्म लिया है। उनमें से एक राजा थे राजा सगर। आइए जानते हैं राजा सगर की कथा। भागवत पुराण के अनुसार एक समय की बात है, एक राजा थे जिनका नाम था बाहु या बाहुक। राजा बाहु व्यसनी थे और कुछ लोग उन्हें धोखा दे देते हैं जिसकी वजह से वो अपना साम्राज्य खो देते हैं और राजा बाहु को अपनी पत्नियों के साथ वन में निवास करना पड़ता है। कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हो जाती है। जिस समय राजा की मृत्यु होती है उस समय उनकी एक पत्नी गर्भवती होती है जिनका नाम था विजयंती, यादवी या यशोमती। तीनों नामों से उन्हें पुकारा जाता था। राजा की मृत्यु के बाद रानी विजयंती भी सती होना चाहती थी। उनकी सौतन ने तो उन्हें पहले से ही जहर दे रखा था, परंतु ऋषि और वह जानते थे कि वह गर्भवती है, इसलिए वह उन्हें सती होने से रोकते हैं। ऋषि और वह को रानी के ऊपर बड़ी दया आई और वह उन्हें अपने आश्रम में ले जाते हैं और वहीं पर इस शिशु का जन्म होता है। यह शिशु गर अर्थात विष के साथ प्रकट हुआ था, इसीलिए इसका नाम सगर रखा जाता है। स का मतलब होता है साथ में, सगर का मतलब हुआ विष के साथ। ऋषि औरव ने ही बालक के जात कर्म और संस्कार करवाए। उन्होंने ही बालक को वेद शास्त्र पढ़ाए और अग्नेस्त्र भी प्रदान किए। राजा सगर ने ताल जंग और हेहय नामक क्षत्रियों को युद्ध में हराया और समूची पृथ्वी पर विजय प्राप्त की। राजा सगर भगवान राम और भगीरथ के पूर्वज थे। एक दिन राजा सगर अपने गुरुजी से पूछते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे राजा की ये आलीशान जिंदगी मिली। गुरुजी कहते हैं कि अपने पूर्व जन्म में तुम एक ब्राह्मण थे और तुम्हारी एक पुत्री थी। तुमने अपनी पुत्री का कन्यादान किया और कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है और गुण माना जाता है। यह सुनकर राजा सगर आश्चर्यचकित हो गए कि मैंने सिर्फ अपनी पुत्री का कन्यादान किया और उसके बदले में मुझे ये आरामदायक शाही जीवन मिला है। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वह तप करेंगे 60,000 पुत्रियां उत्पन्न करने के लिए। जब राजा तप करने बैठे तो इंद्र देवता घबरा गए। उन्होंने सोचा कि 60,000 पुत्रियों की शादी करवा कर और उनका कन्यादान करके राजा सगर अपने पुण्यों से इंद्रासन प्राप्त कर लेंगे। इसलिए इंद्र देवी सरस्वती के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि जब राजा सगर उनसे वर मांगे तब वह राजा सगर की जीवा पर बैठ जाए और उनकी जीवा से पुत्री की जगह पुत्र बुलवाए। माता सरस्वती इस बात के लिए मान गई। एक अन्य कथा के अनुसार राजा सगर अयोध्या में रहते थे और उनकी दो रानियां थी, केशिनी और सुमुदी, परंतु राजा के कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा बहुत ही चिंतित और व्याकुल रहते थे।
उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी वंशावली आगे कैसे बढ़ेगी। और यही सोचते सोचते एक दिन राजा ने निर्णय किया कि वह अपना राज्य छोड़कर चले जाएंगे और एक कठोर जीवन जिएंगे और तप करेंगे संतान प्राप्ति के लिए। राजा अपनी पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर संतान प्राप्ति के लिए तप करने लगे। रामायण के अनुसार 100 साल तक तप करने के बाद ब्रह्मा के मानस पुत्र महर्षि भृगु ने उनके सामने प्रकट होकर उनके तप से खुश होकर राजा और उनकी पत्नियों को वरदान दिया कि जल्द ही उन्हें संतान प्राप्ति होगी। महर्षि भृगु ने उन्हें वरदान दिया कि एक रानी को 60,000 बलवान पुत्र होंगे और दूसरी रानी से केवल एक पुत्र प्राप्त होगा, परंतु वह पुत्र वंशधर होगा। वंशधर अर्थात जिसके आगे वंश चलेगा। अब कौन सी रानी कितने पुत्रों को जन्म देना चाहती है वह आपस में तय कर लें। तब रानियों ने तय किया कि केशिनी एक पुत्र को जन्म देगी और सुमति 60,000 पुत्रों की माता बनेगी। कुछ समय पश्चात केशिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम असमंजस रखा गया। सुमति ने एक तुम्बी के आकार के गर्भपिंड को जन्म दिया। वह सिर्फ एक बेजान पिंड था। राजा सागर निराश होकर उसे फेंकने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, सावधान राजा, इस तुम्बी में 60,000 बीज है। घी से भरे एक एक मटके में एक एक बीज सुरक्षित रखने पर कालांतर में 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे। राजा सागर ने इस आकाशवाणी को सुनकर इसे विधाता का विधान मानकर वैसे ही सुरक्षित रख लिया जैसे कहा गया था। समय आने पर उन मटकों से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। सागर का ज्येष्ठ पुत्र असमंजस बड़ा ही दुराचारी था। वह छोटे छोटे बालकों को सरयू नदी में फेंक देता था और उन्हें डूबता देखकर उसे बड़ा आनंद आता था। इस दुराचारी पुत्र से दुखी होकर सागर ने उसे अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। असमंजस के अंशुमन नाम का एक पुत्र था। अंशुमन अत्यंत ही सदाचारी और पराक्रमी था, इसलिए वह सभी का चहेता था। एक दिन राजा सागर के मन में अश्वमेध यज्ञ करवाने का विचार उत्पन्न हुआ। उस समय राजा महाराजा अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया करते थे। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था। वह घोड़ा जिस राज्य से होकर गुजरता था वह राज्य अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा का हो जाता था। और वह घोड़ा अगर किसी ने बीच में पकड़ लिया तो उसे यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता था। राजा सागर ने हिमालय एवं विंध्याचल के बीच की हरी भरी भूमि पर एक विशाल यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया। फिर अश्वमेध यज्ञ के लिए श्याम करण घोड़ा छोड़कर उसकी रक्षा के लिए सेना के साथ उसके पीछे पीछे भेज दिया। देवराज इंद्र को भय था कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा अगर स्वर्ग में आ गया तो स्वर्ग पर राजा सागर का कब्जा हो जाएगा और राजा सागर से लड़ पाना संभव नहीं था। देवराज इंद्र युद्ध के परिणामों से भयभीत हो गए थे, इसलिए उन्होंने घोड़े को चुराने का निश्चय किया। इंद्र भेष बदलकर एक राक्षस के रूप धारण करके और घोड़ा चुराकर छल पूर्वक कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। कपिल मुनि एक महान संत थे। एक समय एक पवित्र पुरुष कर्दम मुनि ने विष्णु भगवान से यह समझौता किया था कि वह दाम्पत्य जीवन की कठोरता से गुजरने के लिए तैयार हैं, परंतु इस शर्त पे कि भगवान विष्णु उनके पुत्र के रूप में अवतार लेंगे। नियत समय पे कपिल मुनि का जन्म हुआ विष्णु भगवान के अवतार के रूप में और वे महान संत बन गए। जब इंद्र वेश बदलकर घोड़ा चुराकर घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध रहे थे उस समय कपिल मुनि ध्यान मुद्रा में थे, इसलिए उन्हें इस सब घटना के बारे में कुछ नहीं पता था। जब राजा सागर को पता चला कि उनका घोड़ा किसी ने चुरा लिया है तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि
कि घोड़ा चुराने वाले को पकड़कर या मारकर घोड़ा वापस लाओ। काफी समय तक घोड़े को पूरी पृथ्वी में खोजने के बाद भी जब घोड़ा नहीं मिला तो इस आशंका से कि किसी ने घोड़े को तहखाने में छुपा रखा होगा, सगर के पुत्रों ने संपूर्ण पृथ्वी को खोदना आरंभ कर दिया। उनके इस कार्य से अधिकतर भूमि तल के निवासी और प्राणी मारे गए। खोदते खोदते वे पाताल तक पहुंच गए। उनके इस कृत्य की देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत की। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह राजकुमार क्रोध और मद में अंधे होकर ये कृत्य कर रहे हैं। इस समय पृथ्वी की रक्षा का दायित्व कपिल ऋषि पर है, इसलिए वे इस विषय में कुछ न कुछ अवश्य ही करेंगे। पूरी पृथ्वी को खोदने के बाद भी जब घोड़ा और उसको चुराने वाला चोर नहीं मिला तो निराश होकर राजकुमारों ने उसकी सूचना अपने पिता को दी। तो पिता ने आदेश दिया कि घोड़े को पाताल में जाकर ढूंढो। पाताल में घोड़े को खोजते खोजते वे सनातन वसुदेव कपिल के आश्रम में पहुंच गए। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि के आश्रम में यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ देखा। वे युद्ध करने आश्रम में घुस गए। उन्हें लगा कि मुनि ने ही यज्ञ का घोड़ा चुराया है। यह सोचकर उन्होंने कपिल मुनि का अपमान कर दिया और वे उन्हें मारने के लिए दौड़े। आश्रम में राजकुमारों के शोर से ऋषि का ध्यान टूटा और उन्हें क्रोध आ गया। हलचल सुनकर ध्यानमग्न कपिल मुनि की आंख खुल गई। कपिल मुनि ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, क्रोधित होकर उन्होंने एक तेज दृष्टि से उन सभी को जलाकर राख कर दिया। अग्नि से राजा सगर के 60,000 पुत्र वही भस्म हो गए। इधर बहुत दिनों तक जब राजा सगर को अपने 60,000 पुत्रों की कोई सूचना नहीं मिली तो उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को उन्हें खोजने का आदेश दिया। फिर अंशुमान उन सभी को पृथ्वी पर ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते वे पाताल तक जा पहुंचे और एक दिन उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया था। वहां पहुंचकर अंशुमान ने देखा कि वहां उनके चाचाओं के जली हुई राख के ढेर हैं और सामने यज्ञ का वो घोड़ा बंधा हुआ है। अपने चाचाओं को भस्म हुआ देखकर अंशुमान अत्यंत ही दुखी हो गए। मृत्यु के रसम पूरी होने से पहले ही वह राख हो गए थे, इसलिए वे भूत के रूप में घूमते रहे। कुछ समय पश्चात अंशुमान को एहसास हुआ कि उसे अपने चाचाओं की मुक्ति के लिए जल अर्पण करना चाहिए, लेकिन उन्हें आसपास में कोई भी जलाशय नहीं दिखा। अंशुमान ने अपने चाचाओं की मुक्ति के लिए ऋषि से किसी उपाय के लिए विनती की जिससे अनुष्ठान पूरा किया जा सके ताकि वे स्वर्ग जा सके। ऋषि ने कहा कि यह सब अलौकिक शक्ति वाले दिव्य पुरुष के द्वारा भस्म किए गए हैं। गंगा के जल से तर्पण करने पर ही इन सब का उद्धार संभव है। पवित्र गंगा के प्रभाव से ही अनुष्ठान पूरा होगा और गंगा को धरती पर लाने के लिए ब्रह्म देवता से प्रार्थना करनी होगी। फिर अंशुमान घोड़ा लेकर वापस अयोध्या आ गया। अयोध्या पहुंचकर अंशुमान ने सारी बातें राजा सगर को बताई। ये सब सुनकर राजा सगर बहुत दुखी हुए। उसी दुखी मन से उन्होंने यज्ञ पूरा किया। उसके बाद उन्होंने अपने पुत्रों की मुक्ति के लिए देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तप करने लगे। तपस्या करते करते कुछ वर्ष पश्चात वे स्वर्ग सिधार गए। राजा सगर के देहांत के पश्चात अंशुमान भी गंगा को लाने के लिए तपस्या करने लगे, लेकिन वह भी सफल नहीं हो सके। तपस्या करते करते कुछ वर्ष पश्चात वे भी स्वर्ग सिधार गए। अंशुमान के बाद उनके परम प्रतापी पुत्र दिलीप हुए। अंशुमान के बाद उनके पुत्र दिलीप अयोध्या के राजा बने। फिर राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। जब भगीरथ बड़े हुए तब राजा दिलीप राज्य का कारभार सौंपकर तपस्या के लिए चले गए और उन्हें भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। भगीरथ बहुत ही धर्मनिष्ठ राजा थे। वह भी अपना राज्य मंत्रियों को सौंपकर तपस्या के लिए चले गए। उन्होंने गंगा को प्रसन्न करने के लिए हजारों वर्षों तक बड़ी तपस्या की।
भगीरथ की कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कोई वर मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने ब्रह्मा जी से कहा कि परमपिता, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि मेरे प्रयत्न से मेरे पूर्वजों को गंगा का जल प्राप्त हो, ताकि मेरे पूर्वजों का उद्धार हो सके, और साथ ही मुझे संतान प्राप्ति का वर भी दीजिए। तब ब्रह्म देवता ने कहा कि संतान प्राप्ति की तेरी इच्छा शीघ्र ही पूरी हो जाएगी, परंतु माता गंगा को धरती पर अवतरित करना संभव नहीं है, क्योंकि उसमें एक समस्या है। तब भगीरथ ने पूछा कि देवी गंगा पृथ्वी पर क्यों नहीं आ सकती, इसमें क्या समस्या है? तब ब्रह्म देवता ने कहा कि जब देवी गंगा पृथ्वी पर अवतरित होंगी तो उनका तीव्र वेग पृथ्वी संभाल नहीं पाएगी। गंगा जी का वेग संभालने की क्षमता सिर्फ भोलेनाथ में है, इसलिए तुम्हें भोलेनाथ की कठोर तपस्या करके उनको प्रसन्न करना होगा। गंगा एक इच्छाधारी और शक्तिशाली नदी थी। अगर वह एक धारा में उतरती तो अपने रास्ते का सब कुछ मिटा देती, इसलिए ये काम सिर्फ भोलेनाथ ही कर सकते थे। उसके अलावा कोई भी इस कार्य के लिए सक्षम नहीं था। तब भगीरथ ने शिवजी की घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। जब गंगा को पता चला कि उन्हें धरती पर जाना पड़ेगा तो वो बहुत क्रोधित हुई, क्योंकि वो देवलोक नहीं छोड़ना चाहती थी। फिर देवी गंगा ने निश्चय किया कि वह अपने प्रचंड वेग से शिवजी को ही बहाकर पाताल लोक में ले जाएगी। जब वे भयानक वेग से शिवजी के जटाओं में गिरी तो शिवजी ने गंगा जी को अपनी जटाओं में रोक लिया और एक पतली धारा बहाई, जिससे अंततः देवी गंगा नदी के रूप में अवतरित हुई और नीचे वह भगीरथी के रूप में आई। गंगा हिमालय से आगे बढ़ी तो भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। भगीरथ अपनी तपस्या में इतना लीन हो चुके थे कि उनका पूरा जीवन ही वैराग्यमय हो गया था। गंगा का पृथ्वी पर आना दो श्रापों की वजह से हुआ था। पहला श्राप उन्हें ऋषि दुर्वासा ने दिया था, जब गंगा ने ऋषि दुर्वासा का उपहास उड़ाया था, और दूसरा श्राप माता सरस्वती ने दिया था, लेकिन ये श्राप आपसी द्वेष के कारण दिया गया था। हिमालय से लेकर आगे मैदान तक भगीरथ अपने रथ पर सवार थे और लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे थे, और जिन जिन रास्तों पर भी भगीरथ का रथ दौड़ता था, उन रास्तों पर माँ गंगा भी तेजी से दौड़ती आ रही थी। भगीरथ अपने रथ पर सवार कपिल मुनि के आश्रम की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। पर्वतों से निकलकर राजा भगीरथ मैदानी इलाकों में पहुंच गए। वह जिस वन के रास्ते जा रहे थे उसी वन में महर्षि जानू का आश्रम था। वन से जाते समय राजा भगीरथ ने जब आश्रम की सुंदरता को देखा तो वह देखते ही रह गए। आश्रम का शांत वातावरण उनके चित्त को भी आराम दे रहा था। अचानक ही उनके हाथों से घोड़े की लगाम खींच गई और रथ वहीं रुक गया। भगीरथ रथ के साथ उतरकर आश्रम की ओर चल पड़े। आश्रम में कई ऋषि कुमार थे। राजा भगीरथ उनसे बातचीत करने लगे और पूछने लगे कि यह आश्रम किसका है। ऋषि कुमारों ने बताया कि यह आश्रम महान तपस्वी त्रिकालदर्शी महर्षि जानू का है। राजा भगीरथ के मन में ऋषि मुनि से मिलने की इच्छा जाग गई। गंगा अभी काफी पीछे थी, वह पीछे पीछे आ रही थी। जब भगीरथ आश्रम में महर्षि जानू से मिलने के लिए गए तब गंगा ने उन्हें पीछे से आवाज दी, परंतु भगीरथ ने गंगा से निवेदन किया कि वह आश्रम के बाहर कुछ देर रुके। ऋषि मुनि और भगीरथ आपस में बातचीत करने लगे और ऋषि मुनि ने भगीरथ को आशीर्वाद भी दिया। आश्रम के बाहर गंगा माता विश्राम अवस्था में थी, पर वह बाल्यकाल से ही चंचल स्वभाव की थी। कुछ देर के लिए तो उन्होंने भगीरथ की बात मान ली, क्योंकि वह भगीरथ के बिना आगे नहीं बढ़ सकती थी, परंतु अपने चंचल स्वभाव के कारण वह ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकती थी। विश्राम के बाद गंगा को अपनी धारा मोड़नी पड़ी, परंतु जिस दिशा में उन्होंने अपनी धारा मोड़ी उस दिशा में महर्षि जानू का आश्रम था। आश्रम में ऋषि मुनि यज्ञ की तैयारियां कर रहे थे, वह यज्ञशाला बना रहे थे।
कुछ ऋषि कुमार अपने यज्ञ अनुष्ठान को पूर्ण कर रहे थे। इतने में माँ गंगा ने ऋषि जानू के आश्रम में अपने तीव्र वेग से प्रवेश किया। उसके तेज पानी ने अशांति पैदा की और ऋषि के खेतों और साधना को नष्ट कर दिया। गंगा के वेग से यज्ञ समिधाएं बुझ गई, यज्ञ वेदियां बह गई, यज्ञशालाएं गंगा में समाहित हो गई। पूरे आश्रम में हाहाकार मच गया। आश्रम में पहले तो सबने सोचा कि किसी राक्षस का आक्रमण तो नहीं हो गया। अपने अपने तपोबल से सबने ये जानने की कोशिश की। जब वो इस बात का पता नहीं लगा सके तो उन्होंने महर्षि जानू को इस बात की सूचना दी। यह सब सुनकर और देखकर ऋषि जानू को बहुत ज्यादा क्रोध आया। इतने में भगीरथ ने बताया कि यह माता गंगा है और उन्होंने अपनी तपस्या की और अपने पूर्वजों के उद्धार की कहानी भी सुनाई। लेकिन ऋषि जानू गंगा को ब्रह्मलोक में खेलने वाली बालिका और शिवजी की जटाओं को चुनौती देने वाली ही समझते थे। उन्होंने अपने तपोबल से मुंह को खोला और गंगा का सारा पानी पी गए। गंगा का पानी खत्म हो गया। महर्षि जानू गंगा से कहने लगे, बस इतनी ही शक्ति है तेरी, तू एक बैरागी की प्यास भी नहीं बुझा सकी। यह सब देखकर भगीरथ महर्षि के पैरों में गिर पड़े और कहने लगे कि वे गंगा को मुक्त कर दें, वरना उनके पूर्वजों की मुक्ति कभी नहीं हो पाएगी और उनकी इतने सालों की तपस्या और वैराग्य सब व्यर्थ हो जाएगा। महर्षि ने उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर माँ गंगा को शाप मुक्त किया। जानू ने अपने कानों से गंगा के जल को मुक्त कर दिया। इसीलिए माता गंगा को एक नया नाम भी मिल गया, जानवी, मतलब जानू की बेटी। माना जाता है कि कलयुग के अंत में गंगा नदी अंततः सूख जाएगी। कलयुग जो कि चार युगों में से एक है, वर्तमान में कलयुग ही चल रहा है। कलयुग के अंत में सब जगह अंधकार होगा। सरस्वती नदी की तरह गंगा नदी भी खत्म हो जाएगी और कलयुग की समाप्ति के बाद आएगा सतयुग, जहां सिर्फ सत्य होगा। जय श्री कृष्णा।